में दिल्ली पुलिस बैंड ने भी राजपथ पर बजाई धुन, 68 जवानों के बैंड राष्ट्रपति को दी सलामी। एसीपी बलराम के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के दस्ते ने राष्ट्रपति को दी सलामी। इंसास राइफल लेकर मार्च पास्ट 1950 से हर परेड में शामिल हो रहे जवान। पहली बार राजपथ पर दिखा एनएसजी का मार्चिंग दस्ता, ब्लैक कैट कमांडो नाम से मशहूर, 1984 से अस्तित्व में आए, 26 गैर ऑपरेशन में बड़ा रोल। 3 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 3 शौर्य चक्र, 40 सेना मेडल से सम्मानित एनएसजी का मार्चिंग दस्ता, 16 विशिष्ट सेवा मेडल भी मिले। अनुराग चुग की अगुवाई में एनसीसी के बैंड ने राजपथ पर बजाई धुन, कदम कदम बढ़ाए जा धुन सुनकर सभी में आया जोश। एनसीसी मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व राजेंद्र बराला ने किया। सबसे विशाल संगठन में एक दस्ते में 147 कैडेट्स शामिल। एनसीसी बैंड में शामिल 52 छात्राओं ने भी राजपथ पर बजाया बैंड, सारे जहां से अच्छा की धुन बजने वाला दस्ता अब तक 52 बार परेड में शामिल। एनसीसी मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व ऐश्वर्या ने किया, रोमांचक अभियान में लिया भाग। गोपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पाइप और ड्रम बैंड ने राजपथ पर बजाई मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन, 152 संगीतकारों का बैंड शामिल। गणतंत्र दिवस पर ओसिन मौसू के नेतृत्व में एनएसएस मार्चिंग दस्ते ने दिखाया दम, 160 स्वयंसेवक शामिल, मैं नहीं आप इनका आदर्श वाक्य। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सभी राज्यों की भी झांकी दिखी, सबसे पहले उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखी। पालकी में ठाकुर जी के साथ 6 दिन तक मनाने वाले डोल यात्रा की झांकी दिखी, भक्ति गीत के साथ अबीर लगाने की परंपरा। अरुणाचल प्रदेश ने याक नृत्य को झांकी में दिखाया, बौद्ध धर्म के मशहूर नृत्य में कथाएं सुनाते हैं नृतक, लोसर उत्सव पर होता है नृत्य। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक की 160वीं जयंती को राजपथ पर झांकी की तरह दिखाया गया, तिलक ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की। मणिपुर में धार्मिक नाट्यों में से एक लाई हराउबा का प्रदर्शनी किया गया, देवता को प्रसन्न करने की एक परंपरा, मैत्रेय संप्रदाय की झांकी। गुजरात के लोक जीवन की राजपथ पर प्रदर्शनी, कच्छ की रोगन कला, मडवर्क, भूंगा की झांकी। लक्षद्वीप की झांकी में पर्यटन पर दिया गया जोर, 36 द्वीपों से बने द्वीप समूह में पानी के अंदर की दुनिया, स्कीइंग विंड सर्फिंग गेम मशहूर। कर्नाटक की झांकी में लोक नृत्य गोरावास की प्रस्तुति, झांकी में ड्रमों के थापर, कलाकार और तलवार के साथ नृत्य करते योद्धा दिखे। दिल्ली की झांकी में मॉडल स्कूल की थीम पर बनी लुडलो कैसर स्कूल को प्रतीक के तौर पर दिखाया गया, टीचर पेरेंट मीटिंग की भी प्रदर्शनी। हिमाचल प्रदेश की झांकी में चंबा की कसीदाकारी दिखाई गई, मशहूर पारंपरिक हस्तकला रासलीला की थीम पर आधारित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर हरियाणा की झांकी नजर आई, लड़कियों की शिक्षा पर जोर और उससे आधारित उपलब्धियों का झांकी में बखान। पश्चिम बंगाल की झांकी में गाँव की हरियाली दिखाई गई, दुनिया में मशहूर शरद उत्सव की पृष्ठभूमि को झांकी में दिखाया गया। राजपथ पर पंजाब की झांकी में जागो आइया पर आधारित पारंपरिक नृत्य को दिखाया गया, शादी का माहौल और खुशी के में शामिल होने का न्योता की झलक। राजपथ पर मोटरसाइकिल सवारों ने दिखाया दम, टीम कमांडर हवलदार एस सतीश कुमार के नेतृत्व में श्वेत अश्व की टीम ने दिखाया अद्भुत बैलेंस। हवलदार सुखदेव सिंह की अगुवाई में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की टीम ने मोटरसाइकिल पर सीढ़ी बनाकर दिखाया बैलेंस, डबल बार फॉर्मेशन, लोटस फॉर्मेशन, क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन जवानों ने बनाए। मोटरसाइकिल पर एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन, सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन, फ्लावर पॉट फॉर्मेशन, पिरामिड फॉर्मेशन भी दिखा। गणतंत्र दिवस परेड के अंत में आसमान में दिखा अनोखा रंग, हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन का दम दिखा। राजपथ से चक्र फॉर्मेशन में 240 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरे हेलीकॉप्टर 3 MI-35 हेलीकॉप्टर की कमान ग्रुप कैप्टन सुरेश तिवारी ने संभाली। 350 किलोमीटर की रफ्तार से हरक्यूलस फॉर्मेशन भी आसमान में दिखा, C-130J सुपर हरक्यूलस विमान की कमान ग्रुप कैप्टन गोपी मोहन ने संभाली। राजपथ के ऊपरी नेत्र फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन बद्रीश ने संभाली, लोगों की निगाहें आसमान तक। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लोब मास्टर सुखोई 30 ने भरी उड़ान, ग्रुप कैप्टन तुलसी ने आसमान में बनाया ग्लोब फॉर्मेशन। विक्ट्री फॉर्मेशन के साथ 780 किलोमीटर की रफ्तार से 3 तेजस ने भरी उड़ान, सभी की निगाहें आसमान पर टिकी। जगुआ फॉर्मेशन में 5 विमान राजपथ के आकाश में उड़े, विमान ने बीकानेर से भरी थी उड़ान। सुखोई 30 विमान के त्रिशूल फॉर्मेशन और MiG-29 के फलक्रम फॉर्मेशन, साथ ही गणतंत्र दिवस में झांकी खत्म, राजपथ पर मौजूद लोगों में दिखा जोश।